तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी कमाल की एक हिडन टिप बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं आपको हिडन फीचर बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही काम का ये हर सैमसंग यूजर के लिए काम का ये फीचर है। दोस्तों क्या है या क्या टिप है आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ हिडन टिप या बोल सकते हैं हिडन फीचर बताने वाला हूँ, जो कि है लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर को लेकर। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ लॉक स्क्रीन में जो वॉलपेपर होता है, इससे रिलेटेड मैं आपको टिप और ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप वीडियोस को ऐड ऑन कर सकते हैं, वीडियोस के साथ मतलब एक वीडियो नहीं, वीडियोस को ऐड ऑन कर सकते हैं और साथ में इमेज भी ऐड ऑन कर सकते हैं, दोनों को मिक्स करके। तो कैसे वो आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको कर लेना है, यहाँ पर ऐसा करना है, यहाँ जाना है आपको वॉलपेपर्स में। वॉलपेपर्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर चेंज वॉलपेपर्स में। चेंज वॉलपेपर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर गैलरी में चले जाना है। यहाँ पर आपको जाने के बाद यहाँ पर गैलरी में क्लिक कर लेना है। गैलरी में जाने के बाद आपको उसी फोल्डर में चले जाना है जहाँ पर आपकी कोई वीडियो या फोटोज हो, आपको उसमें जाना है। उस पर जाने के बाद आपको फोटो या वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आपको अपने स्क्रीन पर सेट आउट करना है। आपको यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा ऑप्शन मिलेगा, आप चाहें तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ से आपको उसको डन पे क्लिक कर देना है। अब डन पे क्लिक करने के बाद जब भी आप अपना मोबाइल लॉक करेंगे तो आप देखेंगे आपको वहाँ पर वीडियो वॉलपेपर आपका दिख रहा होगा, जो कि आपने अभी लगाया लॉक स्क्रीन पर। आप देखेंगे ये आपको यहाँ पर कंटिन्यू दिख रहा होगा। ये तो हो गया नॉर्मल कि आपने एक वीडियो यहाँ पर लगा लिया। अगर आप चाहते हैं और भी यहाँ पर सेट आउट करना तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, और वीडियोस भी और लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आया वॉलपेपर्स में या सर्विसेज में, चेंज वॉलपेपर में आया, गैलरी में आया। गैलरी में आने के बाद मैं वापस यहाँ पर गया गैलरी में। गैलरी में आने के बाद वापस मैं यहाँ पर चला गया उस फोल्डर में जहाँ पर मेरे पास फोटो या वीडियोस हैं। उस फोल्डर में आने के बाद मैंने वहाँ पर दो या तीन वीडियोस को यहाँ पर सिलेक्ट आउट कर लिया। जिन वीडियो को आपने सेलेक्ट आउट करा, उस वीडियो को सिलेक्ट आउट करने के बाद आपको यहाँ पर डन पे क्लिक करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर 15 मैं ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पर तीन वीडियो को ऐड ऑन कर लिया और यहाँ पर डन पे क्लिक कर दिया। डन पे क्लिक करने के बाद एक एक वीडियो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी और सबको यहाँ पर आपको एक एक करके ट्रिम आउट कर लेना है। जैसा कि फर्स्ट ये दिख रही है, यहाँ पर क्लिक करेंगे 3 आइटम में, यहाँ पर आपको मिलेगी सेकंड वीडियो, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आपको यहाँ पर डन कर लेना है, छोटी मतलब ट्रिम करने के लिए आपको बोल रहा है, आपको यहाँ पर ट्रिम आउट कर लेना है। उसके बगल में आपको तीसरी भी वीडियो मिल जाएगी, मतलब जितनी भी आपने यहाँ पर ली है सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सबको एक एक करके ट्रिम कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देना है, एडिट करो, ट्रिम करना है, ट्रिम करो। तो आपको एक एक वीडियो को पहले ट्रिम कर लेना है। ट्रिम करने के लिए आपको यहाँ पर एक एक को क्लिक कर लेना है और वहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी वीडियो को यहाँ पर ट्रिम आउट कर लेना है। उसके बाद ही आप यहाँ पर सेट आउट कर पाएंगे। ऐसा उसका कहना है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक एक करके आपको ट्रिम करना है। अब मैंने एक कर लिया है, दूसरी पे जाऊँगा और दूसरी की ट्रिम का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसा भी आपको वहाँ पर सेट आउट करना है आप वहाँ पर सेट आउट कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर डन आउट डन कर देंगे। थोड़ा सा वो टाइम लेगा प्रोसेस में, पर उसको एक बार आपको डन करना ही पड़ेगा तो ही चलेगा, नहीं तो वो चलेंगे नहीं। थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पे जाएंगे, उसको भी यहाँ पर ट्रिम करने के लिए बोल रहा है, तो आप उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिम कर लीजिए और यहाँ पर डन आउट कर दीजिए। फाइनली आप इसको डन करेंगे और ये यहाँ पर सेट आउट होने के लिए तैयार हो चुकी हैं सारी वीडियोज़। सिंपली आपको वहाँ पर अब इसको डन कर देना है और ये पूरी वीडियो वहाँ पर चालू हो जाएंगी। तो जितना बड़ी ज़्यादा वीडियो होगी उतना थोड़ा टाइम लेगा। ये फाइनली हो चुकी है। आप चाहें तो यहाँ पर एडजस्टमेंट थोड़ा सा बहुत करना चाहें तो नहीं हो रहा है, और यहाँ पर आपको अब डन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर डन करेंगे, ये अप्लाई हो चुका है लॉक स्क्रीन के अंदर। अब क्या होगा, जब भी आप मोबाइल को लॉक करेंगे आपको हर बार यहाँ पर नई वीडियो एक दिखने वाली है। आप देख सकते हैं कि वीडियो ये दिख रही होगी, वापस लॉक करूँगा, वापस अनलॉक करूँगा, यहाँ पर दूसरी वीडियो ही आपको प्ले हो रही होगी। ऐसे दोबारा करूँगा लॉक, दोबारा लॉक करूँगा, उसके बाद तीसरी करूँगा, तो यहाँ पर तीसरी वीडियो आपको दिख रही होगी। तो तीनों जितनी मैंने तीन वीडियो लगाई हैं आपको दिख रही होंगी। अगर आप मैक्सिमम यहाँ पर 15 वीडियोस को भी लगा सकते हो। अब मैं आपको साथ में इंक्लूड फोटो को लगा के भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। वापस यहीं जाऊँगा, यहाँ वॉलपेपर में जाऊँगा, यहाँ जाने का चेंज वॉलपेपर में जाऊँगा, गैलरी में जाऊँगा। गैलरी में जाने के बाद आपको वापस उस फोल्डर में चले जाना है जिस फोल्डर में आपको लगाना है। तो अभी कैसे वर्क करेगा वो भी बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आ गया, मैं पहले एक फ़ोटो लूँगा, एक वीडियो लूँगा, फिर एक फ़ोटो लूँगा, फिर एक वीडियो लूँगा, ऐसे करके मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने सबसे पहले एक फ़ोटो ले लिया। अब फोटो के बाद मैं एक वीडियो यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दूसरा, उसके बाद फिर फ़ोटो लेनी है। तो यहाँ से मैं कोई भी यहाँ पर एक आध फ़ोटो और ले लेता हूँ। एक फ़ोटो यहाँ से ले ली,
फिर मैं यहाँ से एक वीडियो उठा लेता हूँ, ठीक है। ऐसे करके मैंने चार आइटम ले लिया, फिर यहाँ पर डन पे क्लिक कर दिया। डन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे इसको सेट आउट करने के। तो उसने पहले ही बोल दिया कि दो वीडियो आपने लिए हैं तो दोनों को पहले सेट आउट कर लीजिए, उसके लिए पहले ट्रिम कर लीजिए। अब मैं आया वापस यहाँ पर फोर आइटम पे। वीडियोस में आपको यहाँ पर अटेंशन का टाइम साइन मिलेगा बिकॉज क्योंकि उसको एडिट करना है, आपको यहाँ पर जाके उसको ट्रिम पे क्लिक कर देना है और डन पे क्लिक कर देना है। जितना बड़ा ट्रिम लोगे उतना ज़्यादा टाइम लेगा, आप नॉर्मल उसको ट्रिम करेंगे तो फट से वो ट्रिम हो जाएगी। तो आपको जितनी भी वीडियो लगाएंगे आपको एक बार ट्रिम ज़रूर करना रहेगा, नहीं तो वो वर्किंग में नहीं आएगी और वो सेव भी नहीं होगा। तो ये हो चुका है। ऐसी ये दूसरी वीडियो है उसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिम कर लेता हूँ और डन पे क्लिक कर दिया। डन पे क्लिक करने के बाद वही थोड़ा सा टाइम प्रोसेस लेगा क्योंकि जितनी ज़्यादा वही हर बार की बात, जितनी ज़्यादा बड़ी वीडियो उतनी ज़्यादा टाइम लेगा। इसमें लिमिट है कि 15 सेकंड तक ही आप लगा सकते हैं, बट इनमें उसकी साइज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद यहाँ आपने यहाँ पर डन कर दिया और मैं उसको हटा दूँ थोड़ा सा ही सट लगे। अब मैंने यहाँ से उसको डन कर दिया है। डन करने के बाद मैंने यहाँ पर सेव आउट कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पर मोबाइल को कर लेता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद मैं जब भी अनलॉक करूँगा आप देखेंगे पहले एक फ़ोटो आ गई है। वापस दोबारा लॉक करा, वापस दोबारा अनलॉक करूँगा तो आप देखेंगे वीडियो प्ले होने लगी है यहाँ पर। ऐसे ही दोबारा लॉक करूँगा, फिर अनलॉक करने के लिए करूँगा तो एक फ़ोटो आ गया। फिर दोबारा लॉक करूँगा, फिर अनलॉक करूँगा तो वहाँ आपका आपको वीडियो प्ले होकर मिल रही है। मतलब आप कंटिन्यू 15 यहाँ पर फोटो या वीडियो सेट आउट कर सकते हैं, उस तरीके से आप ये वाला फीचर यूज़ कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हो। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।